गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अनादर वीडियो बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर, बट इन दिस वीडियो वी शैल बी स्टडिंग टू टोटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर. वन इज प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स एंड सेकेंड इज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पे, इमेस्कुलेशन पे मैं कुछ वीडियोस बना के डालने वाला हूँ इसी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में. जिनको डिटेल पढ़ना है, जिनको ऐसा लगता है कि एग्जाम में हमें कुछ आना चाहिए एंट्रेंस में, उसके लिए वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा. तब जाके हमें समझेगा कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड का सिग्निफिकेंस क्या है. और जैसे भी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का एक वीडियो मैंने डाला था, उसके रेफरेंस में भी ये वीडियो जाता है, ये समझो. द पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स और एंथर कल्चर. बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि इन एंथर कल्चर एंटायर एंथर इज नेवर यूज्ड एज एक्सप्लांट. इन दिस केस वी आर यूजिंग पोलन ग्रेन एज एन एक्सप्लांट. और इसलिए डेफिनेशन क्या बोलती है, कल्चरिंग ऑफ आइसोलेटेड पोलन ग्रेन्स ओवर सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस इज कॉल्ड एंथर कल्चर. अब ध्यान देखो, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का वीडियो अगर देखा होगा चैप्टर वन में, तो वहां आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद आता है मिडल लैमेला, फिर टपेटम और फिर अंदर आती है पोलन मदर सेल. पोलन मदर सेल तक सारे स्ट्रक्चर्स ये 2N यानी डिप्लॉइड है. पोलन मदर सेल के रिडक्शन डिवीजन के प्रोसेस से यानी मियोसिस से बनता है पोलन ग्रेन, और वो पोलन ग्रेन इज ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, कंटेनिंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम. और इसलिए वन सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिप्लॉइड बनाना और उसके थ्रू होमोजाइगोसिटी लाना, ये प्रैक्टिकली इजी है. बोलने में ज्यादा इजी है, करने में डिफिकल्ट है, बराबर. और इसलिए देखो, दिस इज द मेथड टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट विच इज यूजुअली नॉट पॉसिबल थ्रू कन्वेंशनल टेक्निक्स. अब हैप्लॉइड प्लांट होगा तो क्या हम लोगों को उसका फायदा होगा, ये भी समझना जरूरी है. प्लांट डेवलप्ड बाय दिस टेक्निक आर एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स. एंड्रस यानी मेल, जेनिक यानी प्रोड्यूस किया गया, हैप्लॉइड यानी कंटेनिंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन इट सेल. दे आर हैप्लॉइड एंड सेक्सुअली स्टराइल, गैमेट नहीं प्रोड्यूस करेंगे वो. कैलस और प्लेट प्लांटलेट्स फाइनली ट्रीटेड विद कॉल्चिसिन, और तब जाके वो प्लांट होमोजाइगस डिप्लॉइड बनेगा. मैं बताता हूं, देखो, सपोज एक प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल ए बराबर, या कैपिटल ए स्मॉल ए. अब ये जो पर्टिकुलर टाइप का प्लांट है, इसके ये कैरेक्टर्स हम लोगों ने लिए. इसके पोलन ग्रेन में क्या मिलेगा, इसका एक पोलन ग्रेन रहेगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, बराबर. अब ये दो कैरेक्टर के लिए हेटरोजाइगस है ना, ये चार टाइप के गमिट्स प्रोड्यूस करेगा, और इसलिए चार कॉम्बिनेशंस मिलेंगे. उनको अगर मैं कॉल्चिसिन दू तो इससे मैं चार होमोजाइगस प्लांट्स डेवलप कर सकता हूं, जो कि यूजुअली इसके क्रॉसिंग से पॉसिबल नहीं. और तब ये राइस प्रोडक्शन, मेज प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ताकि इमेस्कुलेशन के प्रोसेस को स्किप किया जा सके. देखो, इसके एडवांटेजेस में ये बात करेंगे. हैप्लॉइड कैन बी यूज्ड फॉर जेनेटिक स्टडी एंड प्लांट ब्रीडिंग. आपको याद होगा, हमें पेरेंट्स का आइसोलेशन करना पड़ता है और उसका सेल्फिंग भी करना पड़ता है ताकि होमोजाइगोसिटी आए. तीन तीन साल तक ये प्रोसेस चलती है. टिश्यू कल्चर ये काम हमें 3 महीने में करके देता है. हमने कितना समय बचाया, बराबर. इसमें
जेनेटिक स्टडी भी पॉसिबल हो गया, प्लांट ब्रीडिंग भी होगा, डिसीज रेजिस्टिविटी भी आएगी और म्यूटेशन ब्रीडिंग भी होगा। और इससे आने वाले डिप्लॉयड ये जेनेटिकली 100% प्योर रहना है क्योंकि हमने उन्हें ट्रीट करके बनाए, और दे कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। आइडियल मटेरियल है जीन ट्रांसफर के लिए, एंड सिंगल एंथर कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बराबर। मेल स्टराइल लाइन, फीमेल स्टराइल लाइन, ये भी इसमें से प्रोड्यूस की जा सकती है कि जो गमिट्स ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और इसलिए पोलन कल्चर ये एडवांटेजियस है क्योंकि वो होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने के लिए लगने वाले 3 साल को कम करके 3 महीने तक ला सकता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट का मतलब क्या होता है? मेटाबोलिज्म के प्रोसेस के चलते बने हुए कंपाउंड्स को मेटाबोलाइट बोलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक एंजाइम्स है, अल्कैलॉइड्स है, रेजिन्स है, टैनिन्स है, एंटी ट्यूमर एजेंट्स है, यानी एंटी ट्यूमर एजेंट्स यानी एंटी कैंसर ड्रग्स, ये बात याद रहे, बराबर। एलर्जेंस को डेवलप किया जा सकता है। इन सारे कंपाउंड्स का मेजर जो सोर्स है वो है प्लांट्स। अब इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? आइदर बाय कल्चरिंग सेल्स ऑफ डिजायर्ड प्लांट, या फिर एंटायर प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाए। अब डिजायरेबल सब्सटेंसेस का ऐसा इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन भी टिश्यू कल्चर से पॉसिबल है जिसमें प्लांट को एंटायरली यूज ही नहीं करना है हमें। वी आर नॉट यूजिंग एन एंटायर प्लांट, हम लोग उसके टिश्यू को यूज करेंगे, यानी प्लांट भी बचेगा और प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्या मिल सकता है देखो, एक एक एग्जाम्पल है। सर्पेंटाइन या रिसर्पाइन कौन से प्लांट से? फ्रॉम रोवल्फिया सर्पेंटिना, सांप के काटने पे यूज होता है, ये सह्याद्री रेंजेस में मिलता है, और ये प्लांट जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन, विन ब्लास्टीन, दीज आर एंटी कैंसर ड्रग्स, विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टीन। कौन से प्लांट से मिले? पेरीविंकल सदाफुली, विंका रोजिया जिसका नाम है, या फिर कैथेरांथस रोजियस। निकोटीन मिलता है जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट इंसेक्टिसाइड में गिना जाता है। टोबैको निकोटियाना टैबैकम, निकोटियाना रस्टिकम, बराबर। मेंथॉल मिलता है मेंथा पाइपरेटा से, अंडाई। डॉकस कैरोटा से एंथोसाइनिन मिलता है, डॉकस ट्रोमानिया में उसे ट्रोपेन मिलेगा। एट्रोपा बेलाडोना है जिससे हम लोग बेलाडोना की पट्टी बनाते हैं, बराबर, देसी बैंडेड बोलते हैं उसको। यानी कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेंड ऑन लार्ज स्केल, एनवायरमेंटल कंडीशन कैनॉट ऑल्टर द प्रोसेस, और मैक्सिमम यील्ड कैन बी ऑब्टेंड एंड प्लांट्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। सो विद दिस इट इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, एज पर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगले वीडियो में मिलेंगे लास्ट एप्लीकेशन के साथ, दैट इज पैरासेक्शुअल हाइब्रिडाइजेशन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।